पुलिस द्वारा आपराधिक वारदातों को रोकने के लिए क्या कोई प्रयास किए जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिले में बेलगाम हुए अपराधियों पर इसका थोड़ा भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वे ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम देने में लगे हैं, जिसके चलते जिले भर के लोग काफी डरे सहमे हैं। वहीं आए दिन बढ़ रही मारपीट की घटनाएं भी पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। साथ ही मारपीट की एक घटना उस वक्त सामने आई जब मुरादाबाद के थाना छजलेट क्षेत्र के गांव पचोखरा खानपुर में दो पक्षों में आपसी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हो गई। पुलिस द्वारा दोनों पक्षों का मामला दर्ज कर दोनों पक्षों को मेडिकल हेतु जिला अस्पताल भेजा गया। वहीं मामले को लेकर पीड़ित ने जानकारी देते हुए क्या कुछ बताया, जरा आप भी सुनिए। हमारे घर पे किसी मेरे भतीजे की तबीयत खराब है, मैं आई जंगल से, हमारा जो ठेला खड़ा रहता है, एक गाड़ी खड़ी थी उससे वो कर दिया है। मैं कह रही कभी हमसे लड़ाई हो, इसलिए मैं अपने ठेले को बचाने चली गई, तो उनने गाली दी तो मैं बर्दाश्त कर गई, मैं छोड़ पड़े गई। मैं अपने पति को फ़ोन करने चली गई तो उन्होंने ये समझा कि वो किसी को फ़ोन करके बुला रही है, यानी कि या तो अपने हस्बैंड को कर रही है या पुलिस को कर रही है। वो दूर से गाली देने लगा मुझे, तो मैं बोली, मैंने सीधे जवाब आके, संजीव ऐसे क्यों कर रहे हो तुम, तुम्हारी गाड़ी भी खड़ी हो, हमारा भी ठेला खड़ा हो गया। तो उनने छूटता ही डंडा निकाला उसमें से और मेरे धोरे को मारने आ गया। उसके संग में उसकी बहन भी ही, और उस बहन का नाम है अंजलि। टोटल तीन पुलिस को सूचना दे दिया आपने? हाँ, क्या कहा पुलिस ने? एक लेडी थी, वो उधर के भी पक्ष आ गए जो मैं कह रही थी, तो वो उधर की लेडीज जो ही वो बोली ऐसा नहीं होया है। और वो जो ही पुलिस वाली दर्ज करवा दी आपने? हाँ, दर्ज करवा। हम ये चाहते हैं कि हमें न्याय मिले, इंसाफ हो। मामले को लेकर पुलिस जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दे रही।